दोस्तों, आज हम बताते हैं कांजी बनाना पारा साफ करने के लिए। ये अपना 50-100 ग्राम नमक, ये देखो हमने साबुत नमक है, हल्का हल्का दरदरा कोट लिया है। अभी हम इसे मिक्सी में लेंगे, हमें सारी चीज़ साबुत लेनी है और अपने हाथ से पिसक करनी है, क्योंकि बाजार से जो पिसक मिलती है वो साफ़ सुथरी नहीं होती। ये 100 ग्राम अपनी राई, 50 ग्राम हल्दी अपने हाथ से हमने पिसक की है, और ये 50 ग्राम अपनी नमक, ये सॉरी मिर्च, इसे भी हम अपने हाथ से पिसक करेंगे। और ये अपनी 5-7 गाजर जो हमने अपनी कद्दूकस की हुई है, देख सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर कांजी के अंदर जो आपको पारा शुद्ध करना है, ये 2 लाइटर के लिए कांजी बना रहे हैं। इसके अंदर 5 से 6 लीटर आपने पानी लेना है। देखो मैंने इसके अंदर राई, हल्दी और नमक पीस कर अपने हाथ से डाल दिए। तो दोस्तों सॉरी, हल्दी रह गई थी मेरे पास, मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया मिर्च। तो ये देखो दोस्तों, हमने डाल दी हल्दी 50 ग्राम, इसके अंदर ये कही दोस्तों, ये सब अपने हाथ की पीसी है, आपको बाजार से साबुत लेकर अपने हाथ से पीसना है। दोस्तों ये रही 5-7 गाजर जो हमने ये करी थी। दोस्तों कांजी के अंदर ज़्यादा जो महत्व है वो राई का है अपना, 100 ग्राम राई, 100 ग्राम नमक, 50 ग्राम हल्दी। और दोस्तों आ जा भाई सर, सॉरी सॉरी, तो मैंने वो इसके अंदर सारी गाजरें डाल दी हैं। तो आपको एक बार बढ़िया से एक बार इसे हिला दूँ तो आपके इसके ऊपर कपड़ा बांध देंगे इसके मुंह पर, और ऐसी जगह रख देना जहाँ इसकी गैस इसमें जो पन हो वो निकल जाए। हमारी 10-15 दिन में अपनी कांजी तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्व अपना राई का होता है। 100 ग्राम राई है इसमें, 100 ग्राम नमक, 50 ग्राम हल्दी और दोस्तों 50 ग्राम मिर्च और 7-8 गाजर। ये अपना पूरा कांजी का नक्शा दोस्तों तैयार हो। अब हम इसके ऊपर मुँह के ऊपर कपड़ा बांध के आपको दिखाते हैं। बस आपको बढ़िया से एक बार हिलाना है, फिर दोस्तों इसे हिलाना नहीं है, अपने इसे उठा के रख देनी है। 24 के अंदर गैस बनेगी दोस्तों, 24 के अंदर गैस वैस बनेगी वो हो जाएगी सब। तो आपको कोई ऐसा हल्का कपड़ा बांध देना है इसके ऊपर। देखो मैंने कितना हल्का कपड़ा लिया है, ये देख सकते हो ऐसे ही। इसको इसके ऊपर मोटा कपड़ा रख के 10-15 दिन के लिए आपको ऐसे रख देना, इसे हिलाना जुलाना नहीं है, ये आपकी कांजी तैयार हो जाएगी। यंत्र के लिए दोस्तों, मैंने कांजी बनाना तो आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, और मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों में पारा खरल करके और उसमें 2 लयंत्र के लिए किसी चीज़ों में पारा खरल करना है। दोस्तों ये आपको लेनी है पीपल, ये चित्रक, काली मिर्च दोस्तों, यह सुंड, सूखी हुई अदरक, जंजबील भी कहते थे इसे, यह राई और यह नमक। अपने पास चंदा नमक नहीं था, ये वाला ले लिया। इन सब चीज़ों को कूट के और खरल में डाल के उसे पारा पारा भी डाल के, ये देखो दोस्तों मेरे पास ये पारा ये रहा, और उसमें अदरक और मूली का रस डाल डाले खरल करते रहना है। और तब तक दोस्तों बिल्कुल यकजान ना हो जाए आपको, जब तक खरल करना है। अब आपको मैं दिखाता रहूँगा आगे कर चल के। तो दोस्तों हमने अपने पारे को देखो, इसमें इतना खरल करा है, ये दिखना बंद होगा इसके अंदर, ये देख सकते हो अपना पारा नज़र नहीं आता अब इसके अंदर, इससे समझो कि इसके अंदर ही समा गया हो सारा पारा। अब इसके हम भोजपत्र पर रख के और कपड़े में पोटली बना देते हैं एक, तो इसके ऊपर हमने रख के 4 तह का उस कपड़ा ले लिया, 4-5 तह का, और इसे हम रख के इसकी पोटली बांध लेते हैं। दोस्तों ये हमने पोटली बांध लिया उसमें 2 लयंत्र के लिए, उसको हम करते हैं पारे का 2 लयंत्र। ये पहला स्टेप है, आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये 2 लयंत्र के लिए अपनी कांजी आ गई है। ये कांजी को हमने करीब करीब 20 दिन पहले बनाया था, क्योंकि ठंड का टाइम है, कांजी बनने में थोड़ा समय लगता है। अब इसके अंदर खट्टी खट्टी स्मेल आने लगी है, जिस तरह से गोल वो होता है ना गोलगप्पे का पानी के लिए स्मेल आती है, इस अच्छी स्मेल आने लगी है इसमें। वो पीने में बहुत जायकेदार भी होती है कांजी, खाने के लिए बनाए तो पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हमने इसके लिए देखो सरिये का ये जुगाड़ बनाया, ये इसके अंदर 2 लयंत्र है, ये देखो इसके नीचे दोस्तों हमें बनाने 3 दिन आग, मंद मंद आग, इतनी आग जलानी बस, इसके अंदर कांजी के अंदर भाप से उठते रहे बस, इस तरीके से हल्की हल्की। देखो दोस्तों इसके अंदर तेज़ आग बिल्कुल भी नहीं जलानी,
और इसके पूरे दिन आगे जलनी है, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर आपको अगर रात को जला सकते हो रात को भी जला लो, बट इसे नीचे 3 दिन आगे जलानी है बढ़िया करके। इसी तरीके से मंदी मंदी पकती रहे कांजी, और ये अपनी दो लेंदर में तले भी ना लगे और ऊपर भी ना आए। इस तरीके से आपने दो लेंदर करना है इसका। तो ये मैंने इसका जुगाड़ बना दिया ताकि ना नीचे लगे और ना ऊपर लगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका 3 दिन करना है दो लेंदर, ये अपना पहला स्टेप हो जाएगा, ये पारा अपना शुद्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पारा धोकर निकाल लेना है इसमें से, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा।